रोज रब डेली व्लॉग गालो तो कहीं कुछ कहना चाहो वीर बारे में। हां तो ब्लॉग तो मैं ऐसा गाला के जनता ना आज पसंद है यार, मैं पसंद आवे नहीं, मैं पसंद करा दे जी। भाई जी आपने गदर फिल्म में जो वो पाइप जो हेड पंप है वो उखाड़ दिया था पाकिस्तान में, क्यों उखाड़ा था? वहां पे मेरे को अच्छा नहीं लगा था। सामने सामने जो मोरेलाल जी दूसरा गेटअप है वो भी थे बताओ। हाँ तो अभी मैं आवे दादी दादी तो जाने ही है, दादी बिना तो अभी यहाँ क्यों वही को नहीं, मुरे लाल में दादी आवे नहीं ना चौकी लग गया है। और एक देसी भाषा में यहाँ मिमिक्री करया करे तो आप किस किस एक्टर की मिमिक्री करया करो? जी हाँ अपने मुरर लाल जी है और मुरर लाल जी की जगह सागे भाई रोल करे दादी को। अच्छा वो और पंकज शर्मा सोना बाबू और सनी देओल साहब है और नाना पाटकर साहब है, नरेंद्र मोदी है जी, इनकी मिमिक्री करते हैं। कहाँ की बोल बता देना बाजार आएगा और चोलो पजामो पहरो, मतलब प्योर देसी भाषा में कई वजह है कि नहीं ये पीढ़ी रे शाम क्यों आ धोती और साफ है नहीं जी क्या अपने राजस्थान की संस्कृति और इन्हें बचाने खातिर कई कई नमूना रिया बाकी तो सगड़ा पेंटा पहन लाग गया रवा। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल है, आयु आप अच्छे होंगे। मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं शिवम बीकानेरी यूट्यूब चैनल। राजस्थान की सभी धार्मिक स्थल व ऐतिहासिक धरोहरों में विलेज लाइफ श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो आसपास में ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि जो बुरे हुए मतीरे हैं उनको ऐसे कुछ हस्तियां हैं, ऐसे कुछ टैलेंट है जिनको निकालने की हम कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले कई दिनों से बीकानेरी लुक्सा हैं जो कॉमेडियन है, देसी कॉमेडियन है, उनका भी इंटरव्यू लिया था, वो भी आप जाकर देखिए। और साथ ही साथ कॉमेडियन हो चाहे मिमिक्री आर्टिस्ट हो चाहे चित्रकार हो, सभी लोगों के इस प्लेटफॉर्म पर हम स्वागत करते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप हमें कॉल कीजिए और हम आपके साथ पहुंचकर अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और जनता को बताएंगे कि इनका टैलेंट जो है इस प्रकार का है, अच्छा राजस्थान के प्रति नाम रोशन करें। तो बादिया मुरली लाल जी जगह दादी जी बने बार भाषा में कहो चुका ने समझ में आ गया है। हां तो बेटा सब्सक्राइब कर लिया, रोजिन रोजिन के कहना पड़े थाने कर लिया रवा घंटी दबा ता जोर आवे गे। बिल्कुल बिल्कुल भाई कर लिया, देखो यार धारा का हाथ से काम है इतनी वो शायद पता नहीं है। चलिए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बबलू नायक है सर। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? मारो नाम बबलू नायक। अब आप मारवाड़ी में बात करें ठीक है, तो आप शुभ नाम का ही है? मारा नाम बबलू नायक है और मैं बीकानेर जिले रे किलचू गांव में जो गाड़ वाले से 5 किलोमीटर आगे। तो सगलों पहला जितना भी मारा व्यूवर्स है मैं बता दूं कि आज वो एक महीना पहला आरो जो को वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड करियो, फेसबुक पर सोशल मीडिया पर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड करियो और लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार दियो। और अच्छा तो मतलब जो कि मेन हंसते हैं झगड़ी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि एक आवाज़ री कॉपी करो, तो सगड़ों पहले मैंने यह बताओ कि कदू आ मतलब आप रे दिमाग रे मायने ये चीज़ आई? मैं जब 8वीं में पढ़ता था तो धीरे धीरे मुरर लाल जी की कॉमेडी देखता था तो घर में ऐसे ही उनकी नकल करता था मैं, तो नकल कर तो जन धीरे धीरे ये साहब मान लो घर में माया मम्मी और सगड़ा ही कहने लग गया भाई आवाज़ है जी कि मुरर लाल जी दाई आवे, तो मतलब नानेरे में रियो तो ही नानेरे में और मामा सागे और मजाक यहीं करतो मैं मुरर लाल जी आवाज़ में, कभी दादी की आवाज़ में तो कभी मुरर लाल आवाज़ में। और बिंग बाद में राजू रबियो आया जका ब्लॉग शूट करे और कॉमेडी बनाए आंगी आवाज़ निकालने लग गयो, भवानी पारिक है बांगी और जिया नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी मैं ये सोचियो भाई नरेंद्र मोदी की भी आपा कॉपी कर ला तो लमसम कॉपी कर चुकियाँ और सनी देओल है नाना पाटकर है आरी आवाज़ कॉपी कर तो और लमसम मन 4 साल हो गया। अच्छा गरीब फैमिली में आओ सही बात है? हाँ बिल्कुल गरीब फैमिली में आते हैं और मतलब मिमिक्री करते हैं और हमारा यही मकसद है कि जैसे आर्मी की तैयारी करता हूँ मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि जो हमारे पहले चाचा है मोहन सिंह है फौजी बने हुए हैं तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आप मिमिक्री करते हो तो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, आप मिमिक्री करते रहो और जब तक आप कोशिश करते रहोगे अगर आपका सिलेक्शन हो गया आर्मी में तो हमारे जहाँ पे फौजी भाई हैं उनको भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल मतलब तो हाँ। तो आप स्टेज प्रोग्राम मतलब एक दो बार अभी की बार करिया तो कहीं कुछ इंटरेस्ट रही हो? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आई, स्टेज प्रोग्राम मैंने किया था वहाँ पे रोईसा में किया था नागौर मेड़ता सिटी से आगे और स्कूल में भी किया था जयपुर में भी किया था, बहुत बढ़िया लगा और सभी मतलब हमारे जो देखने वाले भाई लोग हैं बहुत आकर्षित हुए बोले मतलब जैसे ऑडियंस को उनको हंसाना और उनको इंटरटेन करना बड़ा ही आसान नहीं होता। हाँ तो सगड़ों बेस्ट आवाज़ है जी कि मुरर लाल है जी, आपने राजस्थान का उभरता कॉमेडियन है फर्स्ट कॉमेडियन है तो बे मतलब यहाँ बोले नहीं ना जिस रोज फिर बंग कॉमेडी दिखाने यहाँ जो शौक आज वो बोलने को जी करने लगे भी।
अबे बहुत ही शानदार कॉमेडी बनावे और बहुत ही अच्छो। अब मुरलीलाल जी को कमेंट आयो और मुरलीलाल जी को जद कोशिश आई है कि मुरलीलाल जी मिलन बुलायो है तो बे आसी तो बे आजी सी बीकानेर कने आसी ना मिलले से और निजन मान खुद नहीं जानो पड़सी। वाह लाल जी एक ही क्यों बहुत बढ़िया है यार। मैं ये सोचूं कि मैं एक ही हो आज दूसरो और आ गयो अठिया। अच्छा अच्छा हां बिया अच्छा तो काई रिएक्शन रियो मुरलीलाल जी क्यों कौन के यार तो मामलो अपने धंधो चौपट होई ना बाकी कौन क्यों बा एक ही बात की कि भाई जिको आदमी गरीब परिवार में बढ़े तो बढ़ने जोर वा मैं आन मना करा कोनी और चौकी मिमिक्री करें बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारी आवाज कॉपी करी है। अच्छा। तो जितनी हो सके इतनी कोशिश मिलने की करा रहा अभी बीकानेर आया मिले कौन थे। हाँ बीकानेर आया अबे अपने थोड़ा सो काम हो गया आगे पढ़ाई करनी पड़े तो बारहवीं क्लास मानना अभी यहाँ पढ़ना ही पड़े। अच्छा आज मतलब बीकानेर में देखो मुरलीलाल जी ऐसे का मौका मिलने आ गया तो मैं भी बड़ो भाग्यशाली हूँ। अच्छा तो मुरलीलाल जी ने तो आवाज़ काट दी बंगा डायलॉग है नी जी का बोल दियो बोलो मारी भाषा में हां सही है। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए तुम सब के सब आए हो। शांति भाई का घंटा की क्रांति लाई शांति भाई। ये शांति भाई का चक्कर है ना कब से चल रहा है। आओ आओ हिंजड़े के औलाद आओ तेरी कमी थी तेरे जैसे मंत्री आ रहेगा ना देश का ऐसे कल्याण होता रहेगा। वाह मतलब वाह भाई वाह। अबे सामी सामी जो मुरलीलाल जी एक दूसरा गेटअप है वो भी थे बताओ। हाँ तो अभी मैं आवे दादी दादी तो जाने ही है दादी बिना तो अभी यहाँ क्यों वही को नहीं मुरलीलाल में दादी आवे नहीं ना चौकी लागे हाँ कॉमेडी ना ही ओपे। अच्छा तो दादी जी दादी दादी रो गेटअप है नहीं। हाँ दादी कोई गेट पे भी हैं दादी चौकी लागे बोलती पोतंग नहीं है बापड़ा लाडला देखना मैं यहाँ क्या बोल रहा दादी मर्जियाँ बोले चौकी खिड़ी यार गाड़ियाँ खिड़ी चौकी काटू मैं। अच्छा। मैं यहाँ कहती हूँ मर्जियाँ दौड़े दौड़ी दूल्ला करने लग गया लपका। अच्छा तो पोतन देगा क्यों बड़े पोता और क्या कहूँ बापड़ा पोता सियाणा है मेरा पोता है ना पोता ही रे सिरवा क्या गणोई है। अच्छा दादी जी मतलब थारे तो राजस्थान रे में पूरा फैन है तो कहीं कुछ कहना चाहोगे। हाँ राजस्थान फैन गणोई है अभी फैन तो पंखा ने कहा बाकी इंग्लिश में समझाना फैन बे बिया हुआ है भाई। अच्छा, हाँ क्लोज है बाकी फैन तो पंखा हुआ है पंखा तो गणोई है घर घर में लाग रहा क्या। अच्छा तो कहीं कुछ आगे आने वाले समय रमाइने मतलब जो राजियो एंड रबियो है बीरी आवाज है जो कि अभी लेटेस्ट ही दर्शकान बहुत पसंद आवे तो बीरे बारे में ही थे बात। हाँ तो मेरे ब्लॉग में बोलू डर यार आज मैं जाऊँ बीकानेर यार बटू लेनिया गाड़ी तो पापा जम गया पापा की मम्मी ने जाके लेट चला जिना मम्मी जम गई पापा थोड़ा सा ढीला हो गया गा तो मना ही कर सी फिर जिना मैं आया बीकानेर गाड़ी देखी गाड़ी आ गई पसंद रामपुर पुराण थी कैंपर है जी क्योंकि पुराने जिन पापा के गाड़ी तो नहीं लिया रेसी घुमाई बैठ अब तो आ गई गर्मिया। अच्छा तो यार राजू राजू मतलब नाम है तो राजू भाई जी एक बात बताओ कि थारा जगह डेली व्लॉग में देखा बड़ो पसंद आवे तो कहीं मतलब देसी भाषा में थे डायलॉग बनाओ रोज रहा मतलब डेली व्लॉग गालो तो कहीं कुछ कहना चाहो वीर बारे में। हाँ तो ब्लॉग तो मैं ऐसा गाला कि जनता ना आज पसंद है यार मैं पसंद आवे नहीं मैं पसंद करा दे डायलॉग मारा मैं ब्लॉग राजू भाई जी मतलब अचानक थे महीने आऊँ तो अचानक डेली व्लॉग घनल ला गया और बड़ो ही मतलब प्यारो लागे आप साफ सुबह तो कहीं कुछ कहना चाहो और जनता ने बिया टकली कटाई नहीं मैं तुड़ सो कहीं साफ सो कर ला गयो बिया तो बाल बूढ़ा जना साप हो तो कोनी। अच्छा। और बाद में मैं कटा ली टकली भी बाद में लगा लियो साप जना और ही जोरदार लगन ला गयो। अच्छा आ बात है मित्रों भाई और बहनों आज हमारे चैनल पर शिवम बीकानेर जी पधार हैं। मित्रों एक ही स्वागत करना चाहता हूँ आगे आने वाले चुनाव के अंदर आपके खाते में 5-5 लाख रुपए डाल दूंगा मित्रों और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके मित्रों प्यार दीजिए खुश रहिए मस्त रहिए और अपने घरों में रहिए जब तक कोरोना नहीं जाता है। हाल ही फिलहाल में मैंने कोरोना को हटाने की कसम खाई है हटा दिया जाएगा मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी आपका तो आपके तत्वाधान में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है और आप एक हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और जैसा कि अभी यूपी में जो आपका प्रचंड लहराया और योगी जी ने जो तहलका एक झलक है जो विरोधी पार्टियों को बताइए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इनके बारे में एक ही कहना चाहता हूँ हम हिंदू हैं गर्व से कहिए मित्रों हम हिंदू हैं तो हिंदू ही हैं हमारे आने वाली संस्कृति को बताइए। बिल्कुल और राजस्थानी भी अपनाइए राजस्थानी एक ऐसी मातृभाषा है जो कहीं लोग सीखने के लिए बाहर से अमेरिका से आते हैं मित्रों। जी 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 मोदी जी सर ओए
काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर आता है तो टोली की जगह उनकी अर्थियाँ उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा। सेहरा लाशें बिछा दूंगा लाशें। हाँ बेटा टेम गुदड़ का बिछा लिया बिछा सी लाशा मर जान दिल डोलेगी। आपसे एक सवाल है सनी भाई जी, आपने गदर फिल्म में जो वो पाइप जो हेडपम्प है वो उखाड़ दिया था पाकिस्तान में, क्यों उखाड़ा था? वहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगा था सर, जो सारे लोग बोल रहे थे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैं हिंदुस्तान को कभी मुर्दाबाद नहीं होने दूंगा सर, मैंने कसम खाई है, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है सर, कसम से यार बहुत दर्द होता है हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ देखो नौजवान के प्रति ये भावना होनी चाहिए, देशभक्ति जो है उनके अंदर होनी चाहिए, कूट कूट के होनी चाहिए जी। तो आपका जो 2.5 किलो का हाथ है उसका क्या राज है? ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता है। अच्छा वजह ये है ना, तो ऐसा क्या खाते हैं सर, आप जनता को बताइए आप क्या खाते हैं, मतलब 2.5 किलो का हाथ है। हम कुछ नहीं खाते हैं सर, हम बस दाल रोटी खाते हैं जो हमारे घर में मिलता है सर, वही खाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कहेगा उसको नीचे हम झुका के नहींगे सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो समय है 15 मिनट का आपने दिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि भाई का चैनल है, भाई का चैनल का नाम बताइए आप। मेरा चैनल है RJ07 रॉयल कॉमेडी, और उस पर मैंने अभी थोड़ा सा बदलाव किया है तो राजस्थानी मिमिक्री बॉय है। आप RJ07 रॉयल कॉमेडी सर्च करोगे तो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, भाई के पास जाइए, भाई के चैनल पर जाइए और हैशटैग शिवम बीकानेर लिखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में डालता रहूँगा मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है लेकिन घंटी का बटन नहीं दबा रखा, जल्दी से घंटी का बटन दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।